जेपी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज इतिहासनामा में हम जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक को आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन उसको ठीक से समझने के लिए हम आज इस पर चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है उपनिषद। उपनिषदों की बात हम करेंगे, उपनिषद दर्शन क्या है और इसमें क्या क्या चीजें मिलती है। उपनिषद दर्शन की बात हम अगर करते हैं तो इसमें इसका क्या अर्थ है, उपनिषदों में क्या चीज शामिल है और कितने उपनिषद है और उनमें कौन कौन सी बातें विषय वस्तु हमारे पास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपनिषद जो है आपके, क्योंकि ये वेदों के अंत में जोड़े गए इसलिए अपन इसको वेदांत कहते हैं। तो वेदों का अंतिम भाग वेदांत दर्शन जो है आपके उपनिषद कहलाते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है उप प्लस नी प्लस सद, यानी कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका अर्थ हुआ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु के समीप, गुरु का मतलब वो गुरु का या अर्थ शिक्षक नहीं है, गुरु का अर्थ वो है जो परमात्मा से मिला दे, उसके पास जो तत्व ज्ञान की जो बातें सीखी जाती थी उसको हम उपनिषद कहते हैं। इतिहास, भूगोल, गणित ये नहीं, जो तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या था? आत्मा व परमात्मा की जो बात करे, आत्मा व परमात्मा, या पराविद्या की जो बात हो, पराविद्या जो परमात्मा या जो आपके ये लौकिक नहीं है, पारलौकिक जो परमात्मा की बात करता है या उसको हम पराविद्या कहते हैं। तो आत्मा व परमात्मा, पराविद्या या इन दोनों के एकत्व या एकेश्वरवाद जो है उसकी बात जो है वो मुख्यतः उपनिषदों में शामिल है। यानी कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान का मतलब है परम तत्व का ज्ञान, परमात्मा के बारे में जानना, और आत्मा में परमात्मा का एकत्व या एकेश्वरवाद पर इसमें चर्चा की गई है और ये पराविद्या की जानकारी देते हैं। और ये संवाद शैली में आपके उपनिषद जो है वो लिखे गए हैं, यानी इनकी जो शैली है वो कैसी है, संवाद शैली, बातें हैं, वार्तालाप है जो आपके उपनिषदों में मिलता है। मोक्ष, पुनर्जन्म, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो उपनिषदों की विषय वस्तु है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी बातें जो है वो उपनिषद दर्शन से ली गई है। जो ये उपनिषद है आपके, ये वैदिक के उत्तर साहित्य है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में रचे गए थे, लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य। और उपनिषद जो है आपके वेदों के अंत में जोड़े हुए, इसलिए मैंने बताया कि इनको वेदांत कहते हैं। मुक्तोपनिषद जो है, मुक्तोपनिषद में इन उपनिषदों की जो संख्या है वो आपके 108 जो है बताई गई है, यानी कि कुल जो उपनिषद है वो कितने हैं, 108 है। कहीं बाद में अकबर के समय भी लिखे गए, जैसे अल्लोह उपनिषद है, उसकी रचना अकबर के समय हुई। दारा सिखो ने 12 उपनिषदों का फारसी में आपके अनुवाद भी किया, जो सिर मद के नाम से जाना जाता है। तो वो सारी चीजें यानी बाद तक ये रचे गए, लेकिन जो पुराने उपनिषद है वो आपके 12 मूल उपनिषद माने जाते हैं, जिनमें 10 पर शंकर ने यानी शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, टिप्पणी लिखी, कमेंट लिखा, वो 10 थे आपके। कौन कौन से थे अपन बात करेंगे। और पुराने जो आपके टोटल प्रमाणित जो उपनिषद माने जाते हैं वो आपके 12 उपनिषद है। अब इन उपनिषदों में कौन से आते हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जैसे छांदोग्य उपनिषद। सामवेद का भाग है छांदोग्य उपनिषद। इसमें क्या क्या चीज मिलती है छांदोग्य उपनिषद में, तो पहले तो यह माना जाता है कि जो छांदोग्य उपनिषद है वो सबसे प्राचीनतम उपनिषद माना जाता है आपके, तो प्राचीनतम उपनिषद में से एक है। छांदोग्य उपनिषद में कई ऐसे महावाक्य मिलते हैं जैसे तत्त्वमसि, तुम हो, यानी जिसने परमात्मा को जान लिया तो सब परमात्मा हो जाता है, या तुम का मतलब परमात्मा है, तुम हो, मैं नहीं हूं, यानी तुम हो, तो सिर्फ परमात्मा के अस्तित्व की बात स्वीकार करता है, या कहता है कि सर्व खलविंद ब्रह्म, यानी कि सब कुछ ब्रह्मा है, मैं नहीं हूं, सब कुछ कौन है, ब्रह्मा है, तो सब कुछ ब्रह्म है। ये बातें जो है, ये महावाक्य जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। अभी जैसे SCF में ये प्रश्न भी आया था आपके, लेकिन ये हम पढ़ाते हैं तो उसमें ये चीजें लिखाते हैं। तत्त्वमसि यानी तुम हो, सर्व खलविंद ब्रह्म यानी सब कुछ ब्रह्म है, यानी कि जब मैं खत्म हो जाता तो सब जगह ब्रह्मा यानी वो ईश्वर, जो ईश्वरीय तत्व है वो व्याप्त हो जाता है, तो उसकी बात इसमें की गई है। फिर इसमें कुछ संवाद मिलते हैं,
प्रसिद्ध संवाद जो है वो आपके मिलते हैं, और उन संवादों में सबसे जो प्रमुख है आपके प्रवाहन जेवाली थे, प्रवाहन जेवाली जो पांचाल नरेश थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये विद्वान या दार्शनिक राजा थे, और आरुणि जो उद्दालक थे कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, इनसे ज्ञान प्राप्त किया था, जो ब्राह्मण थे वो इनके पास गए थे, और बाद में श्वेत केतु जो था उसने भी इनसे प्रवण जेवाली से शिक्षा प्राप्त की थी। और श्वेत केतु को और आरुणि उद्दालक का भी संवाद है, कहा जाता है कि ये इनके पुत्र थे और प्रवण जेवाली के पास सीखने के लिए भेजा था। और इसमें जो आम वाली कथा वो मिलती है कि सब कुछ जो चीज़ है वो शून्य से उत्पन्न हुई है, यानी कि परम तत्व को अनिर्वचनीय जो है वो आपके इस उपनिषद में बताया गया है। तो प्रवण जेवाली, आरुणि उद्दालक और श्वेत केतु की गाथा मिलती है। श्वेत केतु को पहला चिकित्सक होने का श्रेय भी प्राप्त है आपके। तो एक संवाद तो वह आपके ये। दूसरा जो संवाद है सांदोग्य उपनिषद में वो सत्यकाम जाबाली की कहानी है, और ये आरएस में आया भी था आपके, सत्यकाम जाबाली जाबाली का बेटा था। कहा जाता है कि जो जाबाली थी वो एक तरह से नृत्यांगना या कुछ ऐसी थी जो दासी थी, दूसरों के घर में काम करती थी, उसे पता नहीं था कि इस पुत्र के पिता कौन है। तो जब वो शिक्षा लेने गए थे आपके हरिद्र तुम गौतम के पास, तो उन्होंने जो जाबाली ने अपने बेटे सत्यकाम को ये कहकर भेजा था कि तू तो वहाँ जाके ये बोल देना कि पूछे तो कि मैं जाबाली का बेटा हूँ। तो ये हरिद्र तुम गौतम के पास गए, उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा मैं सत्यकाम जाबाली हूँ। तो इन्होंने फिर इनको एक गाय देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जंगल में भेजा था कि जब तक हजार नहीं हो जाती तब तक तुम मत आना। तो कहते हैं कि पूरी प्रकृति ने इनको ज्ञान दिया और बाद में ये ज्ञानी बनकर लौटे। तो दूसरी जो कथा है वो आपके छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाली की जो कथा है वो मिलती है। इसी तरह नारद और सनत कुमार की कथा मिलती है। नारद ऋषि ने सनत कुमार से शिक्षा प्राप्त की थी, इसकी भी बात इसमें है। और के नरेश अश्वपति और उनकी जो परिषद थी उसकी भी बात इसमें मिलती है। तो ये सारे आख्यान और शासक और दार्शनिक जो राजा थे उनके संवाद जो है वो इसमें मिलते हैं। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर सांदोग्य उपनिषद में कुछ और चीज़ें भी है, जैसे देवकी पुत्र श्री कृष्ण का पहली बार उल्लेख मिलता है, यानी श्री कृष्ण का उल्लेख पहली बार जो है आपके सांदोग्य उपनिषद में आया है। अब जैसे अपन महाभारत में पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण के जो गुरु थे वो संदीपनी थे, लेकिन सांदोग्य उपनिषद में इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है, यानी कि ये आपके जो शिष्य थे वो किसके थे, घोर अंगिरस के शिष्य थे। तो घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में जो है वो आपके श्री कृष्ण की भूमिका यहाँ पे आती है। छांदोग्य उपनिषद में जो एक चीज और मिलती है हमें वो है तीनों आश्रमों का पहली बार उल्लेख मिलता है, यानी जो तीन आश्रम है जिसमें संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं है, तो तीन आश्रम पहले ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ है, उनका पहली बार जो उल्लेख हुआ है वो आपके कौन से उपनिषद में हुआ है, तो छांदोग्य उपनिषद में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रवण जेवाली, आरुणि उद्दालक, श्वेत केतु, सत्यकाम जाबाली, नारद सनत कुमार, केकई अश्वपति, देवकी पुत्र श्री कृष्ण, घोर अंगिरस के शिष्य, और तीन आश्रमों का जो उल्लेख है वो आपके छांदोग्य उपनिषद की मुख्य विषय वस्तु है। फिर हम बात करते हैं वृहदारण्यक के उपनिषद की। सबसे बड़ा उपनिषद इसी को माना जाता है, यजुर्वेद का भाग है ये। और वृहदारण्यक के उपनिषद जो है नाम से ही जाहिर है कि बड़ा उपनिषद है, और इस उपनिषद में कुछ लोग इसको पुराना मानते हैं लेकिन अधिकतर छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीनतम अंश मानते हैं। वृहदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे और गार्गी वाचनवती थी उसके बीच में जो संवाद है वो मिलता है। ये गार्गी जिस पे गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, जो विदुषी महिला थी और जिसने उत्तर वैदिक काल में कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की थी। तो गार्गी वाचकवती और याज्ञवल्क्य का संवाद जो विदेह के राजा जनक के दरबार में हुआ था उसकी जानकारी जो है वो आपके यहाँ मिलती है। तो विदेह के जो विदेह था, विदेह मतलब जो सदानीरा नदी, गंडक नदी है जो यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, उस नदी को पार करके जो विदेह राज्य था, जो विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है वो, तो विदेह के राजा उस समय थे जनक। जनक एक तरह से उपाधि थी राजाओं की, उसको हम ये नहीं कह सकते कि जनक नाम के अलग अलग राजा हुए जिनके
शीर ध्वज, मोर ध्वज, ऐसे नाम थे। तो जनक एक उपाधि थी और जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो है संवाद हुआ था। बाद में एक और जनक थे, उनके दरबार में अष्टावक्र भी गए थे। वो सारी बातें जो है वो हमें जानकारी, तो यहाँ वरदारण्यक उपनिषद की मुख्य जानकारी ये है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। और दूसरा जो वरदारण्यक उपनिषद में मेन महावाक्य मिलता है, अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मस्मि की जो बात है वो आपके सबसे पहले इसमें, इस उपनिषद में मिलती है। तो वो सांदोग्य में तत्त्वमसि और यहाँ पे आपके हो गया अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। सर्व खलविंद ब्रह्म जो है वो सांदोग्य उपनिषद की बात है। तो वृदारण्यक के उपनिषद की जो मुख्य विषय वस्तु है वो आपके ये है, जो हमें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद जो है आपके कई और उपनिषद है, जैसे हम पढ़ते हैं मुंडको उपनिषद, इसमें दो चीजें मिलती है, एक तो महावाक्य मिलता है सत्यमेव जयते, और दूसरा जो आपके इसमें लिखा गया है कि यज्ञ जो है वो डूबती हुई नौका के समान है। यानी यज्ञों को डूबती हुई नौका के समान बताया गया, क्योंकि इस समय दार्शनिक चिंतन हो रहा था और यज्ञों में जो बलि वगैरह दी जाती थी, पशु बलि होती थी, हिंसा होती थी, तो उसका विरोध जो है वो आपके यहाँ देखने को मिलता है। फिर आपके आता है कठोपनिषद। कठोपनिषद में हम देखते हैं कि नचिकेता और यम का संवाद है। और मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। नचिकेता कहा जाता है कि 5 साल का एक लड़का था और उसके पिता ने यज्ञ में वो चीज़ें नहीं दी ब्राह्मणों को या पुरोहितों को जो देनी चाहिए थी, तो उसने नचिकेता ने विरोध किया था। तो इसके पिता ने कहा जा मृत्यु को प्राप्त हो जा, और वो उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर वो यमराज जी के पास गया और यमराज जी से उसने मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछे। तो पहले तो यमराज जी ने मना कर दिया, बोले भाई ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है हमारे, इसके बारे में नहीं बताएंगे। पहला आरटीआई कार्यकर्ता जो है वो एक तरह से हम नचिकेता को मान सकते हैं, लेकिन बाद में जब नचिकेता यमराज जी के पीछे ही पड़ गया पूरा कि मुझे बताओ ही बताओ, तो यमराज जी ने उसको खूब प्रलोभन दिए, पूरी सृष्टि देने की बात तक कह दी, लेकिन माना नहीं। आखिर में मृत्यु का रहस्य जानकर ही माना। तो वो जो बात है वो आपके कठोपनिषद में आई है। फिर इसी तरह महो उपनिषद है, और महो उपनिषद में जो महावाक्य है वो वसुदेव कुटुंबकम मिलता है। हम पढ़ते आए हैं कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतनाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। ये जो बात है ये आपके महो उपनिषद में आई है। तो इस तरह से इन उपनिषदों की जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बताई। इसी तरह जाबालो उपनिषद भी महत्वपूर्ण है। अब वो सत्यकाम जाबालो, इस उपनिषद जाबालो में नहीं मिलता, छांदोग्य में मिलता, यह ध्यान रखना है। और जाबालो उपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखना। 3 का यानी आश्रम व्यवस्था का पहली बार जो उल्लेख है वो तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, और 4 आश्रमों का प्रथम बार जो उल्लेख है वो आपके इसमें मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसी तरह तैतिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाऊ हरित क्रांति का जो नारा है वो मिलता है आपके। तो ये हम देख सकते हैं कि इन उपनिषदों में कौन कौन सी जो बातें हैं वो मुख्यतः है। जो प्रमुख उपनिषद है आपके वो ये है ईशावस्य, ईश, कैन, कैनो उपनिषद, कट, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, जो 12 महत्वपूर्ण उपनिषद है वो आपके। तो ईश, कैन, कट, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, वृदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वर, ऐत्रेय, कौशितकी और तैतिरीय, ये जो है आपके, ये टोटल जो है ये आपके 12 उपनिषद है जिनका हमें ध्यान रखना है। 6 ये आपके हो गए, 6, 3, 3, 6, टोटल 12 उपनिषद है जो सबसे प्राचीनतम उपनिषद माने जाते हैं। और इसमें जो है आपके 2 को छोड़ के, यानी कि श्वेताश्वर और कौशितकी को छोड़कर, बाकी पर शंकर ने भाष्य लिखा 10 पे।
यह चीज ध्यान रखनी है, यानी कि कोसी तकी और श्वेताश्वर को अपन हटा दे तो बाकी इन 10 पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। और आत्मा परमात्मा के एकत्व की बात है, इसलिए शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो हम उपनिषदों में देख सकते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है और शून्य की बात, जिसको वैज्ञानिक आज के टाइम में ब्लैक होल कहते हैं, वो सारी बातें हमें इन उपनिषदों में मिलती है। जो हमारे जो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है वो, और जो रुद्र की महिमा जो है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है, रुद्र यानी शिव की, तो आपके सगुण भक्ति यानी दोनों भक्ति की परंपरा जो है वो उपनिषदों से भी उत्पन्न हुई है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो आज इतिहासनामा में इतना ही। धन्यवाद।